आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश का सियासी रण सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। हर दिन चुनाव की तारीखों के बीच बचे वक्त को कम करता ही जा रहा है। इस बीच सियासी हलकों में राजनेताओं की धड़कनें भी तेज हो गई है। यूपी का चुनाव वैसे भी हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। हर पार्टी जातिगत गणित के हिसाब से ही यूपी में सत्ता पाने के लिए अपना समीकरण सेट कर रही है। फिर चाहे सत्ताधारी दल भाजपा हो या फिर मुख्य विपक्षी दल सपा, दोनों ही दल पश्चिमी यूपी में डेरा डाले हैं। देखिए रिपोर्ट। जाटलैंड जहां का समीकरण बड़ा जटिल है, यहां जाट समुदाय का बड़ा वर्चस्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि कहावत है कि जिसके जाट उसी के ठाट। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों की पैनी नजर जाटलैंड के सियासी समीकरण पर बनी रहती है। बीते दो तीन दिन से भाजपा हो या सपा रालोद, दोनों दलों की दौड़ पश्चिमी यूपी में तेज हो चली है। वजह भी साफ है, 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान होने हैं जिसकी शुरुआत जाटलैंड के जिलों से ही हो रही है। भाजपा की बात करें तो लगातार पश्चिमी यूपी में अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हुई है, तो वहीं अखिलेश और जयंत भी लगातार भाजपा को घेरने और अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट चुके हैं। पश्चिमी यूपी से ही विधानसभा चुनाव के मतदान की शुरुआत हो रही है, लिहाजा बीजेपी के तमाम दिग्गज यहां प्रचार में उतर चुके हैं। और इसी क्रम में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सभी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि वो आज भी दंगों की पीड़ा को भूल नहीं पाए हैं। शाह ने आगे कहा कि अखिलेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के समय पीड़ितों को आरोपी और आरोपियों को पीड़ित बना दिया था। गृह मंत्री ने आगे कहा कि अखिलेश राज चुनने से पहले दंगों को याद कर लीजिए। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ अपराध का बोलबाला था, योगी सरकार बनने के बाद से गुंडे बाहर चले गए हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि मैंने कल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, अखिलेश को शर्म भी नहीं आती। वो बोल रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश में हिम्मत हो तो हमारे आंकड़ों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो वहीं गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान अखिलेश बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने यूपी के विकास का रास्ता रोक दिया है, इसलिए जनता ने बीजेपी के सफाया करने का भी मन बना लिया है। कोरोना के दौरान मजदूरों को जिस तरह से परेशानी हुई उसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। मोदी सरकार में अन्नदाता परेशान रहे, ये चुनाव किसानों और मजदूरों का है। अखिलेश ने कहा कि यूपी चुनाव के बाद गुजरात में चुनाव होंगे और असली सरप्राइज वहीं से मिलेगा। बीजेपी गुजरात से हारने को तैयार है। वहीं जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यूपी के मतदाताओं के लिए जिन्ना कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे मुद्दों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी की बात करते हैं, झूठ मुक्त सरकार देंगे। आगे जयंत ने कहा कि यूपी चुनाव में फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी और सपा का प्रयास है, हमें मुकाबला झूठ और नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है, हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। कुल मिलाकर भाजपा मिशन पश्चिम में अपने पक्ष में माहौल बनाने को तैयार है।
ताकि 2014, 2017 और 2019 जैसा ही 22 के साथ साथ 24 में भी पश्चिमी यूपी से समर्थन उन्हें एक बार फिर मिल सके। वहीं सपा रालोद लगातार भाजपा को कटघरे में खड़ा करने में जुटी हुई है ताकि इस बार सत्ता की चाबी सपा के हाथ लग सके और भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सके। हालांकि ये तय करना जनता को है कि किसको सत्ता सौंपनी है और किसको 5 साल के वनवास पर भेजना है। प्राइम टीवी के लिए विकास मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जाटलैंड को साधने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली स्पाईवेयर पेगासस डील पर एक रिपोर्ट ने देश में सियासत को फिर से गर्मा दिया है। पेगासस मामले को लेकर विपक्ष भी इस वक्त सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर हो चुका है। पेगासस को आखिर इतना क्यों बवाल हो रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट ने देश की सियासत को फिर से गर्मा दिया है। इसे लेकर विपक्ष देश की मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। दरअसल अमेरिका के दैनिक समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक खबर में यह दावा किया है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस और मिसाइल प्रणाली भारत इजरायल के बीच हुए 2017 में लगभग $2 अरब के हथियार एवं खुफिया उपकरण सौदे के केंद्र बिंदु थे। वहीं इस रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया गया कि संसद में पेगासस के मुद्दे पर सरकार ने झूठ बोला। पेगासस सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये गैर कानूनी तरीके से सेलफोन के मालिक की जानकारी या इजाजत के बगैर आपके सेलफोन को, देश के नागरिक को ये हैक करता है, व्हाट्सएप को भी और सेलफोन को भी। आपके माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को कैप्चर कर लेता है और फोन ऑन हो या बंद हो उसके चारों तरफ जो बात हो रही है उसकी फोटो और उसकी वार्तालाप ये गुप्त तरीके से सेलफोन के मालिक की जानकारी के बगैर मोदी जी की एजेंसियों को भेजता है। आपके सेलफोन में जो जानकारी है, आपके परिवार की फोटो हैं, आपके पासवर्ड हैं, आपके एसएमएस हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज हैं, आपके कैलेंडर है, आपने जो जानकारी भी फोन पर रखी है उसे चोरी करके मोदी सरकार को भेजता है। यही नहीं, आपकी जानकारी के बगैर सेलफोन में कोई भी जानकारी जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है उसे गुप्त तरीके से चोर दरवाजे से अंदर डाल देता है ताकि फिर सेलफोन के मालिक से वो बरामद हो और उसकी सजा हो जाए। ये करता है ये पेगासस स्पाईवेयर। और इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ के 5 लोगों के खिलाफ। इसका इस्तेमाल किया गया पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, कुमार स्वामी जी, भाजपा की मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के खिलाफ, भारत सरकार के मंत्री कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, मौजूदा आईटी मंत्री वैष्णव जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, प्रवीण तोगड़िया जी के खिलाफ, स्मृति ईरानी जी के ओएसटी के खिलाफ और न जाने और किस किस के खिलाफ। इसी के साथ सरकार पर हमलावर होते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ
युद्ध के हथियार का इस्तेमाल क्यों किया। आगे उन्होंने कहा कि पेगासस का उपयोग करके अवैध जासूसी करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले। पेगासस के बारे में झूठ बोला गया और इसके लिए तो राहुल गांधी जी लड़ते रहे। उन्होंने पहले उठाया और उठाने के बाद भी इसको हम एक मूवमेंट के तरह लिए और पार्लियामेंट के बाहर बैठे, तो ये सब काम उस वक्त हुआ। आज ये प्रूव हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी बोल रही थी वो सत्य था, जो अपोजिशन पार्टियां हमारे साथ दी इस बात के ऊपर वो सत्य था और सत्यता बाहर निकली है। कम से कम इसके ऊपर अब कौन सी जांच होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इसकी सोच आगे हम देखेंगे। वहीं पेगासस मुद्दे पर कई बार मोदी सरकार को घेर चुके राहुल ने आज फिर से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार को आज न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे का खंडन करना चाहिए कि उसने वास्तव में इजरायली एनएसओ कंपनी द्वारा बेचे गए स्पाइवेयर पेगासस को करदाताओं के पैसे से 300 करोड़ का भुगतान किया था। बता दें कि पिछले साल उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब भारत सहित कई देशों में पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों, नेताओं और अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए कुछ सरकारों द्वारा कथित तौर पर एनएसओ समूह के पेगासस सॉफ्टवेयर के उपयोग की बात सामने आई थी। इसी के चलते गोपनीयता संबंधी मुद्दों को लेकर चिंताएं भी पैदा हो गई थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने द बैटल फॉर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्पाइवेयर शीर्षक वाले एक खबर में कहा कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप लगभग एक दशक से इस दावे के साथ अपनी निगरानी सॉफ्टवेयर को दुनिया भर में कानून परिवर्तन और खुफिया एजेंसियों को बेच रहा था कि वह जैसा काम कर सकता है वैसा और कोई नहीं कर सकता। वही खबर में 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा का भी उल्लेख किया गया। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजरायल यात्रा की खबर थी। खबर में कहा गया कि भारत इजरायल के बीच हुए लगभग $2 अरब के हथियार एवं खुफिया उपकरण सौदे में स्पाईवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली का भी ब्यौरा दिया गया। बता दें कि पिछले साल पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत समेत दुनिया में कई नामचीन हस्तियों की कथित जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई थी, जिनमें इन हस्तियों में पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनेता समेत अन्य लोग शामिल थे। पेगासस के जरिए जासूसी के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आरवी रविंद्रन की अगुवाई में एक समिति भी बनाई है। उनकी सहायता से पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीक आयोग संयुक्त तकनीकी समिति में उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप ओबेरॉय भी शामिल हैं। ऐसे में एक बार फिर से जिस तरह से पेगासस का मुद्दा लगातार उठता दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आगामी दिनों में इस पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे और जो भी सत्य है उसको सबके सामने लाएंगे। फिलहाल पेगासस मुद्दे पर सरकार क्या कुछ अपना बचाव करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।